जिला फिरोजपुर में एनजीओ संस्था इंडियन सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से ट्रैफिक पुलिस को साथ लेकर दो पहिया और चौपहिया वाहनों की चेकिंग करते हुए एक मुफ्त प्रदूषण जांच चेकअप कैंप लगाया गया, जिस दौरान अनेकों वाहनों का मुफ्त में प्रदूषण जांच करने के बाद उन्हें मुफ्त सर्टिफिकेट दिए गए और अन्य वाहन चालकों को प्रदूषण से अवगत करवाते हुए वाहनों को प्रदूषण मुक्त रखने की सलाह दी गई। वहीं इस वाहनों के प्रदूषण जांच शिविर के दौरान संस्था के मेंबर और ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने बताया, यह पहला कदम बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए की गई है, जो कि आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि पंजाब को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संस्था की तरफ से आगे भी जिले भर में अलग अलग तरह से जागरूक कैंप लगाए जाएंगे, ताकि वायु प्रदूषण फैल रही बीमारियों को रोका जा सके। सोशल वेलफेयर सोसाइटी वालों ट्रैफिक इंचार्ज दे रहनुमाई हेठ फ्री प्रदूषण चेकअप कैंप लगाया गया है, जिस विच इस वेले तक 25 कु गड्डियां दे तकरीबन चेकअप हो गए हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल गड्डियां दे, अते बस साडा निश्चा है, निशाना है कि असीं घट्टो घट 50-60 गड्डियां दे अज ही प्रदूषण चेकअप करांगे। ये पंजाब हरिया भरिया रखने लिए, पंजाब पंजाब प्रदूषण मुक्त बनाने साडा एक छोटा जिहा उपराला है, तो असी ये रल मिल के अगे इस अगे वधावांगे। अज जिला फिरोजपुर इंडियन सोशल वेलफेयर कमेटी वालों फ्री प्रदूषण चेकअप कैंप लगाया गया, जिहड़े समाज सेवी है साडे प्रधान जी सरदार शमशेर सिंह, इन्हां दी रहनुमाई हेठ होर बंदे काफ़ी इकट्ठे हो के इन्ना प्रदूषण वध रहा सीगा, समस्या आ रही है जिहड़ी, इन्हां ने फ्री चेकअप कैंप लाया है। ये असीं सारे गड्डियां जो भी चल रही हैं रोड से उन्हें चेकअप करा के कोशिश करांगे, एक दिन दे विच करीब 50-60 के करीब असीं चेकअप करवावांगे गड्डियां, और इन्हां नूं फ्री सर्टिफिकेट जिहड़े फ्री सर्टिफिकेट दिते जाणगे। इन्हां नूं लोगों भी पब्लिक को भी असं आगाह ही करते हैं कि जिस हिसाब न व्हीकल वध रहे हैं, प्रदूषण वध रहा, समस्यावां आ रही हैं, बीमारियां वध रही हैं, इस करके जागृत करने लिए असी होर भी साडे कैंप वगैरह लाते रहेंगे, ताकि ये जिहड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसनूं घटाया जा सके। पंजाबी सरगर्मियों के लिए फिरोजपुर से सुखचैन की रिपोर्ट।